में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने बसपा और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। बसपा के 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और इन्हीं के साथ सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इन सभी 7 विधायकों को सपा प्रमुख ने काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। लंबे वक्त से बीएसपी के बागी विधायकों की सपा में जाने की चर्चा तेज हो रही थी। बीएसपी विधायकों में असलम राइन, असलम अली चौधरी जो कि डोलना से आते हैं, मुस्तफा सिद्दीकी जो कि प्रयागराज से हैं, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल शामिल हैं। इसी के साथ इस मौके पर अखिलेश यादव विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सरकार में बैठे माननीय से निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, अपने घर की सफाई अच्छे से करवा दें जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब कुछ हटवा लें ताकि आने वाली सरकार को कुछ ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर के सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अपना नारा बदलना पड़े, मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह हो सकता है कि वह कह दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। बहुत लोग आना चाहते हैं अपने अपने गोल के साथ, जन आक्रोश इतना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। बता दें उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके चलते सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के साथ साथ पार्टी विधायकों को भी अपनी पार्टी में शामिल करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीजेपी से यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जबकि यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार हमले करते जा रहे हैं। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए दी फुल जड़ी चैनल को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी प्रकार की और खबरों से बने रहने के लिए दी फुल जड़ी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।